अस्सलाम वालेकुम। हमारा 6th क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर 8.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके 5 के मैंने 2 पार्ट्स लिख दिए हुए हैं। एक पार्ट नंबर 3 है, एक पार्ट नंबर 4 है। तो ये पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 मैं करा दूंगा, आप फर्स्ट वाला, 2 वाला एंड 5 वाला खुद कर लेना। अब ये देखें, आपने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लगाओ ए प्लस बी प्लस सी, आप ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखे एस प्लस एस टी, यानी एस ए की वैल्यू ये है। उसके बाद प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएं, बी की वैल्यू लिखे जी प्लस टी। अब प्लस आ रहा है तो प्लस लिखे, अब सी की वैल्यू लिखे। अब आपकी जो सेम होंगी उनको ऐड कर दें, जैसे कि ये 2 सेम आ रही है, यानी एस और एस सेम आ रही है, तो इसे 2s लिख ले। अब ये 2 सेम आ रही है, ये इसके साथ 1 1 था इसलिए ये 2s हो गया। इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो ये 3g हो जाएगा। अब एस टी वाली भी कोई नहीं है और टी वाली भी कोई नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी अगर एस होता तो हम इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन इसके साथ एस नहीं है तो बस ये सोल्व नहीं हो रहे, एक जैसे नहीं है। तो इसका आंसर यही है स्टूडेंट्स। इसमें भी वही काम कि हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह पर ए की कीमत और बी की जगह पर बी की कीमत और सी की जगह पर सी की कीमत। अब एक जैसी जो होंगी उनको ऐड कर दो, जो कटिंग होती है उनको कटिंग कर दो। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, तीनों ऐड हो रही है, तो तीनों ऐड होकर 3p बन जाएगी। उसके बाद इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ 2 है, इन दोनों को पहले ऐड करो, ये बन गया प्लस 2 क्या हो, और ये माइनस का 2 क्या हो, प्लस का 2 क्या हो एंड माइनस का 2 क्या हो। ये प्लस का आर है, ये माइनस का आर है, इन दोनों को आप कटिंग कर दो, एक आर रह गया वो -2 आर है। अब इनमें भी ये दोनों प्लस माइनस माइनस होती हैं, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो रही है। आपको मैंने टेबल बताया था ना, प्लस प्लस इक्वल होता है प्लस के, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है माइनस के प्लस के, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल होता है माइनस के, एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है माइनस के। तो इधर भी यही काम हुआ है और उनको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास जो रकम बच गई वो ये है। तो स्टूडेंट्स, दैट आपको ये टेबल याद करना लाजमी है। अगर आप ये टेबल याद करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन सिंपली यू आपके सोल्व हो जाएंगे। तो ये टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा डन हो गया, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 8.4 इंशाल्लाह।